सरकार द्वारा चलाई जा रही ट्रेनों में बैठकर कटनी जंक्शन लौटे प्रवासियों के लिए ट्रैफिक पुलिस की विशेष भूमिका रही है। भरूच से रीवा, पनवेल से रीवा श्रमिक एक्सप्रेस से लौटे लोगों के लिए बसों की व्यवस्था कर उनके गंतव्य मार्ग तक रवाना किया गया। इसी तरह जालंधर से चलकर कटनी पहुंची श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के प्रवासियों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 44 बसों के माध्यम से आसपास के जिलों में भिजवाया। शहर में किसी भी तरह से संक्रमण न फैले इसके लिए यातायात पुलिस सजग रही। 1.5 से 2 घंटे में ही गंतव्य शहरों के लिए बसों को रवाना कर दिया गया। ट्रैफिक TI राजेंद्र भार्गव से हमारे संवाददाता RB गुप्ता ने विशेष चर्चा की। पेश रिपोर्ट। जालंधर से कटनी के लिए सरकार ने श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन यहां बुलवाई है, जिसमें करीब 1100 श्रमिक यहां पर पहुंच चुके हैं। लगभग 44 बसें यहां पर प्रशासन ने व्यवस्था की है अलग अलग क्षेत्रों में भेजने के लिए। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यातायात विभाग की यहां पर भूमिका बहुत ही बड़ी है। आपको हम बता दें कि हमारे साथ में इस समय यातायात थाना प्रभारी राघवेंद्र भार्गव हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं किस तरह की व्यवस्था इन्होंने की है और क्या रणनीति इन्होंने अपनाई है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी को देखते हुए हम बता दें कि वो PPE किट में भी नजर आ रहे हैं, तो कितनी उनको कठिनाई भी हो रही है, ये हम सारी बातें जानेंगे TI श्री भार्गव जी से। जी बताएं सर जी, क्या व्यवस्थाएं किए गए हैं और क्या क्या? जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब से जालंधर से ट्रेन आई है, जिसमें 1100 के लगभग सवारियां हैं, जो कटनी के अलावा मध्य प्रदेश के अन्य शहरों के लिए भी रवाना होंगी। उसके लिए बसों की व्यवस्था यहां पर की गई है। बसों में बैठने के पहले जितने भी सवारियां हैं उनका स्क्रीनिंग की जाती है, टेम्परेचर चेक किया जाता है, उनका ऑक्सीजन लेवल और अन्य जो हमारा जो मेडिकल टीम है, जितनी भी अन्य जो उनकी चेकिंग होती है सब की जाती है। उसके बाद ही उनको बसों में बैठाया जाता है और तत्पश्चात यहाँ से फिर हम उनको बारी बारी से रवाना करते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है कि ये जब बस रवाना हो रही है तो शहर में कहीं भी अंदर रुके ना, सवारी कहीं उतरे ना, उसके पश्चात इनको सीधे गंतव्य पर इनको रवाना किया जाता है। तो आप लोगों को कितनी कठिनाई हो रही गर्मी में और कितने देर में आप लोग बस रवाना कर रहे हैं यात्री आने के बाद? यहाँ पर कोई विलंब नहीं लग रहा है। जैसे वहाँ पर जैसे स्क्रीनिंग होती है, बसों में बैठ जाते हैं, तत्पश्चात सीधे ये एग्जिट गेट है यहाँ पर आते हैं और सीधे उनको हम केवल सवारी कितनी है काउंट करके उनको बता के और सीधा उसको हमारे जो कंट्रोल रूम में उसको नोट करा दिया जाता है। PPE किट के बारे में, जैसा कि अब हमारी सुरक्षा के लिए ये PPE किट बनाई गई है और हमको पहनना चाहिए। गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि ये एक नेक काम है और अगर हम इस संक्रमित ना हो इसका विशेष ध्यान अगर रखते हुए इसी बनाई गई है, तो हम इसीलिए मैं और जो मेरा समस्त स्टाफ है, आप देख रहे होंगे कि PPE किट पहने हुए है। हाँ, थोड़ी बहुत गर्मी का एहसास होता है, लेकिन हम लोग ट्रेनिंग इस तरह से किए होते हैं कि हम लोगों को ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, हम लोग जंगल वॉरफेयर में ये डांगड़ी वगैरह पहनते हैं, तो हमें इस चीज़ का ज़्यादा कोई हवास गर्मी का नहीं हो रहा है और इसको हम पहने हुए हैं। तो ये हैं यातायात थाना प्रभारी राघवेंद्र भार्गव जी, जो उन्होंने बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने यात्रियों को भेजने के लिए बसों में तैयारी कर रखी। आपको बता दें कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर सारी बसें रवाना कर रहे हैं, ये ऐसी व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि गर्मी में किस तरह से किट का उपयोग कर रहे हैं, पुराना अनुभव भी उन्होंने शेयर किया ताकि संक्रमण से किसी भी तरह से बचा जा सके। RB गुप्ता।